नोएडा में श्वेता जो बहुमंजिला इमारतें हैं, यहां पर सोसाइटीज हैं, लोगों में उत्साह उतना ही है जितना मथुरा से जो अर्पिता दिखा रही है या यहां पर धीरे धीरे आ रहे हैं? वहां तो औरतें घर का काम छोड़कर आ गई हैं। बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बता दूं, जो सवाल आपके मन में था वही सवाल मुझे भी यहाँ आने तक था। मुझे लग रहा था कि पता नहीं अपार्टमेंट से लोग निकलकर यहाँ आ पाएंगे कि नहीं लोग, लेकिन यहाँ पर सुबह से देखिए, सुबह से लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। यहाँ पर देखिए अभी डीएम यहाँ से होके गए हैं और यहाँ पर लगातार लोग आ रहे थे और अभी भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। यहाँ तक कि मॉर्निंग वॉक में सुबह सुबह लोग आए थे तो उनकी प्रेफरेंस ये थी कि वो आ करके सबसे पहले वोट कास्ट करें और उसके बाद फिर वो आगे अपना काम करें। अभी अभी एक शख्स जो है तुरंत वोट करके आए हैं। आप क्या मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे सुबह? हाँ जी। तो पहला प्रेफरेंस ये कि पहले वोट कर दें? एग्जैक्टली। और ये थैंक यू का? हाँ, ये यहाँ से मिला भाई वोट डालने के लिए। इस बार आप लोगों के मुद्दे क्या रहे, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि ग्रामीण इलाके जो है वहाँ जो लोग रहते हैं उनके मुद्दे कुछ अलग होते हैं, जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं बहुमंजिला इमारतों में उनके मुद्दे कुछ अलग होते हैं, आपके क्या मुद्दे रहे? भाई मेरा मुद्दा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उत्तर प्रदेश में वो है लॉ एंड ऑर्डर, और मेन चीज जो भी सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकती है वो मुख्य मुद्दा है, स्पेशली प्रदेश सरकार के रूप में, तो वो मुख्य मुद्दा है। ग्रामीण इलाकों के मुद्दे अलग रहे होंगे, लेकिन हम लोगों के लिए वी वांट अ सेफर सोसाइटी फॉर आवर चिल्ड्रन, फॉर आवर फैमिलीज, एंड दैट इज व्हाट वी। जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं श्वेता, अक्सर आपने देखा होगा वहां पर इसी बात को लेके ही वो आते हैं अपार्टमेंट्स में कि उनको एक सेफ सोसाइटी मिले। यहाँ पर आप देखिए एक स्कूल में व्यवस्था की गई है, अलग से यहाँ पर सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं सो दैट कि यहाँ पर लोग आए और आ करके ज्यादा उत्साहित हों और वोट कास्ट करके इस तरह से कुछ सेल्फी वो ले सके। ये मॉडल बूथ साथ ही साथ आपको हम बता दें कि यहाँ पर मॉडल बूथ की तस्वीरें आप दिखा रही हैं श्वेता, आपने वोट डाल दिया या वेट कर रही हैं अपने काम को खत्म होने का? बिल्कुल, काम खत्म करने का हम इंतजार कर रहे हैं श्वेता, जैसे ही काम खत्म होगा सबसे पहला काम उसके बाद यही होगा कि हम वोट कास्ट करें। और यहाँ पर आप देखिए बीएलओस के यहाँ 7 काउंटर्स यहाँ पे अलग से बनाए गए हैं और बेहद खूबसूरती से सभी बच्चों ने यहाँ पर तैयार किया है, अपने से थैंक यू कार्ड्स बनाए हैं, बीएलओ के 7 काउंटर्स बनाए हैं और यहाँ पर कई तरह के पेंटिंग्स देखिए वॉल पर पेंटिंग्स बनाए हुए हैं, बकायदा टीचर्स यहाँ अपॉइंट किए गए हैं ताकि कोविड प्रोटोकॉल का भी यहाँ पर पालन किया जा सके। तो ये तमाम चीजें पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि लोगों को भी दिक्कत ना हो। और ओमिक्रॉन को लेकर जो लोगों के मन में एक दहशत थी, एक भय था कि पता नहीं इस बार लोग निकलेंगे कि नहीं इलेक्शन में वोट करने के लिए वोटिंग डे पर, वो हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। जबरदस्त मास्क लगाकर सारे लोग निकल रहे हैं और ये अच्छी चीज है।